नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज हम आपके सामने मानव स्वास्थ्य रोग का अंतिम श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं। आपको वायरल रोग के बारे में बताया गया था, बैक्टीरियल रोग के बारे में बताया गया था, प्रोटोजोअन रोग के बारे में बताया गया था। आज हम दो रोग लेकर के उपस्थित हैं, एक तो हेलमिंथीज द्वारा और दूसरा फंगस के द्वारा। यदि हम बात करें हेलमिंथीज की, तो हेलमिंथ मतलब होता है कीड़ा, और ये एसके हेलमिंथीज और प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी का मतलब आपको बताया गया, प्लेट का मतलब चपटे, हेलमिंथीज का मतलब कीड़ा, अर्थात चपटे कृमि के द्वारा जो रोग होते हैं उसे हम हेलमिंथी द्वारा उत्पन्न रोग कहते हैं। अब हम हाथी पांव रोग, या इसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, इसके द्वारा जो रोग होता है इसे हम उचरेरिया बैंक्रेप्टाई टाई के द्वारा होता है। ये अधिकतर जो है ज्यादातर मच्छर के काटने से होता है, या यूं कह सकते हैं कि खटमल के काटने से भी होता है, क्योंकि रक्त जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। और इसमें जो लक्षण है ये कारक है उचेरिया बैंक्रेप्टाई, और इसके द्वारा जो रोग होते हैं वो पहले तो हाथ पांव या किसी अंग में सूजन हो जाता है, या वृषण में सूजन हो जाता है, और धीरे धीरे पैर इतना भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है। इनमें ये जो बुचेरिया बैंक्रेप्टाई है ये निमेटोड है, या इसे हेलमिंथीज कहते हैं, ये लसिका ग्रंथियों में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां से जो है पोषण करते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति का चलना और ये जो है या बुखार, ये ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और इसका जो अगर हम वो देखें तो एक हेट्राजान दवा आती है, उसी का ये इलाज है, बाकी इसकी कोई विशेष दवा नहीं है। अगर हम टीनियासिस की बात करें तो ये अंतः परजीवी होता है, टीनिया सोलियम जिसे कहते हैं, फीता क्रिम जिसे कहते हैं। ये लगभग 12 फीट लंबा होता है, या यूं कह सकते हैं जितनी लंबी छोटी आंत होती है उतनी ही लंबी जो है ये होते हैं। ये खंडों के बने हुए होते हैं, और आंत में ये हुक के द्वारा आंत की दीवार से चिपके रहते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो मितली आना, भोजन भूख ना लगना, धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाना, पेट में ऐठन होना, ये सभी जो है लक्षण होते हैं। ज्यादातर ये भोजन के संक्रमण या जल के संक्रमण से होते हैं। एस्किरियासिस ये सामान्य रोग है, इसे हम एस्कैरिस के द्वारा होता है। इसे सामान्य भाषा में हम सफेद केचुआ, या इसे हम गेलुआ कहते हैं देहाती भाषा में। ये ज्यादातर 5 साल या 10 साल के बच्चों में होता है। अगर बच्चों में हो गया तो भूख कम लगती है इनको बच्चों को, और फिर धीरे धीरे बच्चा कमजोर होता जाता है, और इस आधार पर ये रोग जो है एस्कैरियासिस कहलाता है। तमाम दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं, इसके द्वारा जो है ये इसका इलाज किया जा सकता है। मेन तो इलाज है कि साफ शुद्ध दूध पीना, भोजन करना, ये सबसे पहले ही बता चुके हैं कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो इस आधार पर अगर हम प्रिवेंशन रखेंगे तो आपको जो है दवा की आवश्यकता नहीं होगी, या किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। अगला जो रोग है वो है कवक के द्वारा रोग। कुछ कवक के द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। एक विशेष इस समय जो रोग होगा वो है रिंगवर्म, रिंग, या इसे हम दाद रोग भी कह सकते हैं। तो ये ट्राइकोफाइटान फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर जहाँ जहाँ ये उत्पन्न होता है त्वचा में
थोड़ा पपड़ी आ जाती है, या यूं कह सकते हैं त्वचा लाल हो जाती है, कुछ दाने हो जाते हैं और खुजलाहट उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर ट्राइकोफाइटामिन तो मुख्य है, किसके द्वारा, किस कवक के द्वारा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा है गंजापन, भी कुछ मात्रा में कवक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कवक जो है सिर में जो है कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बाल जो कि जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं, तो ये भी कवक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आज इस मानव स्वास्थ्य और रोग का अंतिम अध्याय या अंतिम सोपान है, जिसमें हेलमिंथ द्वारा रोग और कवक का के द्वारा रोग बताए गए, और इस आधार पर आज ये चैप्टर लगभग समाप्त हुआ। आगे हम इसके बारे में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।